कोचिंग संचालक जो कह रहा है कि 20-25 लोग हैं, वीडियो में देखिए जो 15 से 20 लोग हैं उसके बाउंसर हैं, जितने लोगों की पहचान 4 से 5 लोग हैं, और कोचिंग संचालक लगातार झूठ बोल रहा है। दबाव बनाया फीस वापस करने के लिए, तो उसने धमकी दी कि मैं रंगराई का मुकदमा लगा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, ये सब कर रहे हैं। इसी प्रकार का ऐसे ही वहाँ पे जहाँ इससे पहले से चलाते थे कोचिंग, इसके पहले भी वहाँ यही सब करते हैं, और उसके बाद वहाँ फ्रॉड करके आए, अब यहाँ भी वही चाहते हैं कि मेरी दबंगई बच्चों से वहाँ जैसे करते हैं, यहाँ भी चल, ये पॉसिबल तो है नहीं। हरपुर उत्तरी जिला दिल्ली की घटना है, जिसमें 150 से 200 कर्मचारी जो एग्जामपुर में काम किया करते, वो कर्मचारियों ने थाने पे एप्लीकेशन दी है कि मेरी नौकरी के रहते हुए मेरी तनख्वाह अभी तक नहीं की। ये छात्रों से, पूरे उत्तर प्रदेश के छात्रों से पैसा लेता है, उसके बाद कुछ ही पैसा वकील को देता है, सारा पैसा खा जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक कोचिंग का मसला काफी हाईलाइटेड है। पहले कोचिंग संचालक ने कुछ छात्र नेताओं पे रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया था, और बाकायदा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर उनसे कार्रवाई की भी मांग की थी। लेकिन अब पहले एक परत थी, अब दूसरी परत भी सामने आई है। उस लड़कों की परिवार के लोग सामने आए हैं जो अब इसी मामले में जेल भेजे गए हैं, यानी राहुल सिंह और बादल दो को जेल भेजा गया इसी मामले में। अब परिवार वाले असली सच्चाई बताएंगे कि आखिरकार ये रंगदारी का मामला था या कुछ और। ये हमारे साथ देखेंगे, ये परिवार के लोग हैं, ये बादल सिंह के परिवार के लोग हैं, उसके अलावा राहुल सिंह परिवार के लोग हैं, परिवार के। आप राहुल के भाई हैं जी। इस बात भैया से मेरी बात हुई थी, तो जब मतलब पता चला कि उनका ये मामला हुआ है, तो भैया से मैंने पूछा कि क्या मामला था, तो उन्होंने कहा कि शिवानंद छात्र था। तो भैया एक दिन हॉस्टल में बैठे थे, तो उनके पास आया कि मैं गया था उनके पास अपने, मैंने उसने एडमिशन करवाया था, उसके बाद उसकी तबीयत खराब रहने लगी, तो अपने फीस वापसी के लिए गया था, तो उन्होंने उसको चेक दिया था कि आपका चेक लग जाएगा, पैसा आ जाएगा आपका, लेकिन चेक बाउंस हुआ, उसके बाद फिर गया, तो उसका पैसा वो लोग कह रहे थे जब मैं बोलूंगा तब आप चेक लगाइएगा, उसके पहले नहीं लगाएगा। उसकी टैक्स पे बात हुई तो हमारे पास सबूत है उसका, तो भैया के पास आया कोचिंग के विवेक कुमार सिंह, पैसा वापस करने के लिए तैयार नहीं थे, तो भैया के पास आया, तो भैया 4 सितंबर को कोचिंग संचालक के पास गए कि क्या मामला है, इस बच्चे की फीस वापस कर दीजिए। तो उस दिन संचालक मिले नहीं, वो दिल्ली में थे, तो उन्होंने 10 तारीख की डेट दी कि मैं 10 तारीख को आऊँगा तो आप मुझसे मिलने आइएगा। तो भैया अपने 4-5 मित्र, भैया है बादल भैया, ये अपने 4-5 मित्रों के साथ कोचिंग संचालक के पास गए। कोचिंग संचालक जो कह रहा है कि 20-25 लोग हैं, वीडियो में देखिए कि जो 15 से 20 लोग हैं उसके बाउंसर हैं, जितने लोगों की पहचान 4 से 5 लोग हैं, और कोचिंग संचालक लगातार झूठ बोल रहा है। जब भैया ने दबाव बनाया तो पहले ये लोग गए, तो उन लोगों ने 15-20 लोगों ने दबाव बनाया, धक्का मुक्की स्टार्ट की, तो इधर से भी दोनों पास से बातचीत हुई, दबाव बनाया फीस वापस करने के लिए, तो उसने धमकी दी कि मैं रंगराई का मुकदमा लगा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, यही मामला था। तो क्या लगता है ये मतलब झूठा है? हाँ, ये एकदम झूठा है, आप देखिए ना, मतलब हमारे पास सबूत है कि एकदम झूठा, जो भी मामला है फीस वापसी का मामला है। हमारे पास शिवानंद ने भेजा था अपने व्हाट्सअप से, वो हमारे पास है कि उसका चेक है, टीचर से बात हुई, उसका टेक्स्ट मैसेज है, ये सारे साक्ष्य है हमारे पास, ये जो भी सारे साक्ष्य है। आज आप दो भाई, आप भी भाई उनके, आज आप लोग जब राहुल और बादल से मिले तो उन्होंने कुछ चर्चा की, कुछ बताया? यही बताया उन्होंने कि ये सब गलत है, वहाँ पे जो भी हुआ वो सिर्फ एक फीस का मसला था, जो भी था फीस का मसला था, उसको ये लोग, विवेक सर जो था, विवेक सर अपने आप को बताते हैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, आप देखिए उस पर फेसबुक पे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि वो डांस कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। इसी प्रकार का ऐसे ही वहाँ पे जहाँ इससे पहले से चलाते थे कोचिंग, इसके पहले भी वहाँ यही सब करते हैं, और उसके बाद वहाँ फ्रॉड करके आए, अब यहाँ भी वही चाहते हैं कि मेरी दबंगई बच्चों से वहाँ जैसे करते हैं, यहाँ भी चल, ये पॉसिबल तो है नहीं। अच्छा, अब इस मामले में पुलिस ने एक्शन भी लिया है, परिवार का, आपके परिवार के, क्योंकि आपके भाई हैं सगे, वो जेल में चले गए, अब तो कितना संकट है परिवार पर। परिवार में वही सबसे बड़े थे, अब संकट तो है ही, और उनके अलावा कोई परिवार में बड़ा है नहीं, मेन सदस्य वही थे, उसके बाद हम लोगों के ऊपर वही बीत रहा है। और अच्छा, यूपी के सीएम से कोई डिमांड है आपकी? हाँ, यूपी से सीएम से मेरी इतनी ही मांग है कि मामले को संज्ञान में ले तो इसकी निष्पक्ष जांच कराए, और जो दोषी हो उसे सजा दिया जाए, जो दोषी उस पर कार्रवाई जी उस पर कार्रवाई की जाए। मतलब ये राहुल सिंह परिहार के है, और बादल के भी रिश्तेदार हैं, उनसे भी समझेंगे, बादल भी जेल में है, और जिस मामले में भेजा गया, कहा जा रहा है कि आप लोगों की तरफ से कई चीज़ वायरल की जा रही है, जैसे फीस रसीद है, चेकबुक है, तो आखिरकार ये मसला है क्या और आप लोग चाहते क्या? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ में चुनाव लड़ चुके हैं बादल सिंह,
और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं के रगों में जो खून दौड़ता है हमेशा छात्र हितों के लिए दौड़ता है, छात्रों की मदद करने के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं छात्र नेता। उसी क्रम में बादल सिंह के कमरे पर राहुल परिहार जी आए हुए थे। शिवानंद सिंह नाम का जब लड़का उनके कमरे में आया, मदद की गुहार लगाई, अपील की कि हमने इस कोचिंग संस्थान में एडमिशन लिया था, ये कोचिंग एग्जाम पर साथ टाई अप कर ली है, कैडेट पॉइंट कोचिंग, आप हमारी फीस वापस करा दीजिए। तो सब गए, उसको कोचिंग संचालक के माध्यम से चेक भी दिया गया, बाकायदे टेक्स्ट मैसेज में कहा भी गया कि हम आपकी फीस को वापस कर देंगे। उसके बावजूद जब फीस वापस नहीं हो रही थी, उसको अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखना था, तो फिर से दबाव, नैतिक दबाव बनाने के लिए छात्र नेता जाते हैं, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो कोई छात्र नेता किसी कोचिंग में गया, हम नैतिक दबाव बनाने के लिए, छात्रों के कल्याण के लिए, उनके अभियान के लिए हम वहाँ पर जाते हैं ताकि छात्रों का कुछ हित हो सके। उसी संदर्भ में सब गए, लेकिन पूरी तरीके से साजिश के तहत इनको फंसा दिया गया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बदनाम करने के लिए, इलाहाबाद वाले के छात्र नेताओं को बदनाम करके अपने आप को ख्याति प्राप्त करने के लिए विवेक कुमार ने ऐसी कूट रचना की है। और इससे पूर्व में जब दिल्ली में कोचिंग चल रही थी, तो दिल्ली में देखिए मेरे पास एप्लीकेशन है, मैं आपके पास भेजूंगा, ये तिमारपुर उत्तरी जिला दिल्ली की घटना है जिसमें 150 से 200 कर्मचारी जो एग्जामपुर में काम किया करते थे, वो कर्मचारियों ने थाने पे एप्लीकेशन दी है कि मेरी नौकरी के रहते हुए मेरी तनख्वाह अभी तक नहीं दी गई। तो पहले से भी साजिश करता रहा है, कूट रचना करता रहा है, और इसने पीएचडी भी कूट रचना के विषय से की है। जिस प्रकार से प्री प्लांट मैटर को, जिस प्रकार से छोटी सी बात को पूरी तरीके से वायरल कर दिया गया और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ट्वीट किया गया कि हमें बचा लीजिए, यदि आपके बात में इतनी सच्चाई थी, यदि आपने सही का साथ दिया, आपने सही बात किया कि हमारे कोचिंग में कुछ छात्र नेता के हमसे रंगदारी वसूल रहे थे, तो आपने ट्वीट को डिलीट क्यों कर दिया? क्यों? क्योंकि आप सच नहीं के साथ नहीं थे, आपकी बातों में झूठ की जमहूरियत थी, आप झूठी जमहूरियत को लेकर चलने वाले लोग, मतलब झूठी जमहूरियत। लेकिन एक बात और सामने आई है, जो जिस लड़के ने फीस वापसी की बात की, तो उसके चाचा का बयान थोड़ा सा उल्टा है, वो कह रहे हैं कि हमने तो छात्र नेताओं से हेल्प ही नहीं मांगी थी। उसका सबूत है, उनके चाचा नहीं, भैया हैं सौरभ दादा, उनके व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज किया था, अपने जो भी मतलब टेक्स्ट मैसेज था, चेकबुक था, उन्होंने हमें दिया, तभी ना हमें पता चला। अगर उन्होंने हमें दिया ना होता तो हमें पता कहाँ से चलता शिवानंद का मामला था। उसका भी सबूत है कि उन्होंने अपने नंबर से हमारे नंबर पर टेक्स्ट मैसेज मतलब व्हाट्सएप किया था, व्हाट्सएप किया था जी, व्हाट्सएप किया था। लेकिन वो फिर चाचा ऐसा क्यों कह रहे हैं? हो सकता है कि कहीं से पैसा पा गए हो या पुलिस प्रशासन के दबाव में ऐसा दबाव कह रहा हो सकता है, कहीं पुलिस प्रशासन का दबाव हो या विवेक का दबाव हो, पैसा दिया हो, कुछ भी हो सकता है, अभी इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, राहुल और बादल दोनों से बात हुई, तो इस घटना से संबंधित कोई ऐसी बात बताई जो कि आपको लगता है कि ये मीडिया को बतानी चाहिए? मीडिया को बताने वाली सब साक्ष्य सामने, ये देखिए आप, ये देखिए मतलब क्या, ये देखिए कोचिंग के संचालक महोदय ने ये मैसेज किया है कि बेटा बात हुई है मेरी, आपका डिटेल्स भेज दीजिए, सैलरी जाना है स्टाफ की, इस वजह से रुका है, आज बहुत हुई अकाउंट, ये सीधी बात करें कि सैलरी नहीं है पैसा देने के लिए स्टाफ को, इस वजह से मैं आपकी फीस वापस नहीं कर पा रहा हूँ, ये पूरा मैसेज है आप देखिए। और उसके बाद ये उस छात्र का आई कार्ड है शिवानंद सिंह, जिसके लिए यहाँ पे छात्र नेतागण सब गए हुए थे, छात्र गए थे, ये फीस की रसीद है, 17,000 की फीस की रसीद है, उसकी वापसी के लिए आप देखेंगे तो चेक भी दिया हुआ है इन्होंने, चेक करमवीर के नंबर से, चेक थोड़ा सा दिखाइएगा, चेक का भी फोटो है, उन्होंने 17,000 रुपए का चेक भी दिया, और सिर्फ सारे सबूत है ये चेक, लेकिन फिर भी आप ये चेक दिखाइए, ये 17,000 रुपए का चेक उसी कोचिंग संस्थान से दिया गया जिस कोचिंग संस्थान में शिवानंद नाम का छात्र पढ़ता था। और आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उसके चाचा की हमारे पास ये छात्र नेता से हमने कोई हेल्प नहीं मांगी, ये ऐसा क्यों? देखिए वो छात्र आया तब सब लोग वहां पे गए, पूरा साक्ष्य आपके सामने मैंने रखा, किसी भी तरीके का इसमें कूट रचना हमने नहीं की, ये साक्ष्य है, ये चेक है, चेक की हार्ड कॉपी भी मैं आपको दिला दूंगा, अगर किसी प्रकार की कूट रचना हुई होती तो मैं इस पर कोई बात हम लोग ना करते। अच्छा, आप बादल से मिले, आप बादल के रिलेटिव है, तो बादल ने क्या क्या बातें बताई इसको, इससे रिलेटेड फंसाया जा रहा है? बादल छोटा भाई है, ये घटना आपको नहीं पता है, FIR कॉपी में 4 तारीख की घटना दर्शाया है कि ये लोग 4 तारीख को हमारे वहाँ आए थे फीस वापसी को लेके, तो 4 तारीख को विवेक थे नहीं, उन्होंने कहा कभी पैसा है नहीं, आप 10 तारीख को आइए, क्योंकि ये मंथ अभी शुरू हुआ है, लोगों को पैसा देना है, आप 10 तारीख को आइए, एक सप्ताह का समय मांगे हैं। 10 तारीख को एक सप्ताह पूरा हुआ, ये लोग पहुँचे हैं कोचिंग में, उनसे कहें कि आपने हमको बुलाया, आप पैसे देने की बात कहे थे, पैसा क्यों नहीं दे रहे? ये लोग पहले से ही प्लान करके बैठे हुए थे, वहाँ बल्ला रखे हुए थे, स्टंप रखे हुए थे,
जब बादल लोग पहुंचे हैं, राहुल परिहार पहुंचे हैं, तो ये लोग उनके ऊपर पहले अपना रोब दिखाए हैं कि तुम्हारे कहने से पैसा वापस कर दूंगा, तुम कौन हो, शिवानंद को बुलाओ। शिवानंद कहा कि ये लोग हमारे गार्जियन हैं, विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं, ये लोग हमारी तरफ से गए हैं, आप हमारा पैसा वापस कर दीजिए। शिवानंद इनसे इतना परेशान था, शिवानंद जाटाउन थाने में अप्लीकेशन दिया इनके खिलाफ कि सर ये हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, और जब मैं जाता हूँ तो हमको ये जो जबरदस्ती वहाँ से भगा देते हैं। इसलिए उसने अप्लीकेशन तैयार की और कहे जाटाउन इंस्पेक्टर को हम इसको दे रहे हैं, और ये बात इसने आके उनको बताई कि हम वहाँ पे अप्लीकेशन दिए हैं, उसके दबाव में आके ये उसको चेक दे देते हैं। मतलब शिवनंदन ने खुद हेल्प मांगी। जी जी, उसने कहा कि ये हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, और जब उसने अप्लीकेशन टाइप करके जाटाउन इंस्पेक्टर के नाम पे दिया तो ये जब वो चीज़ उसको बताई कोचिंग में जाके, उन्होंने कहा ठीक है मामला आगे ना बढ़े इसलिए हम तुमको चेक दे रहे हैं, तुम पैसा अपना ले लेना। अच्छा शिवनंदन कौन है, शिवनंदन कौन है, नहीं शिवनंदन कौन है और हेल्प उसने क्यों मांगी? सुनिए सुनिए सुनिए, जो पहले आप एक बात मेरी सुनिए, ये जो मामला था एक कैडेट्स पॉइंट से जितेंद्र शर्मा से था, लेकिन विवेक कुमार की एक आदत है कि अभी इसके पहले पिछले एसआई भर्ती में देख लीजिए कि छात्रों से, पूरे उत्तर प्रदेश के छात्रों से पैसा लेता है, उसके बाद कुछ कुछ ही पैसा वकील को देता है, सारा पैसा खा जाता है। ये यहाँ का निवासी भी नहीं है, ये दिल्ली में कोचिंग चलाता है, ये एक पार्टी से ग्रसित मानसिकता से व्यक्ति है जो प्रोपोगंडा चलाता है, ये हर जगह से फ्रॉड करके आता है। आप ये 15 से 20 लोगों की सैलरी ये स्टाफ नहीं दिया, वो 15 से 20 लोग आ रहे हैं, अब हमारे पास आ रहे हैं कि आप हमारा सैलरी दिलवाइए, कल कोई छात्र नेता जाएगा उनकी सैलरी दिलवाए तो आप रंगदारी का मुकदमा लगवा देंगे। ये झूठा आरोप है, विवेक कुमार यादव पूरा फर्जी आदमी है, वो फर्जीगिरी करता है, उसको पब्लिसिटी चाहिए ट्विटर से। क्या पुलिस प्रशासन और ये ट्विटर से चलेगी, क्या सरकार अब ट्विटर से चलेगी, क्या कोई फर्जी आरोप ट्विटर पर लगा के ट्वीट कर देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी? ये पूर्णतः फर्जी आरोप है, छात्र नेताओं को फंसाया अच्छा जा रहा है। मेन कड़ी है जो शिवा लड़का है, वो क्या वो लड़का है कौन, क्या बैकग्राउंड है और क्यों हेल्प मांगी? वो मऊ का रहने वाला लड़का है, यहाँ उसने कोचिंग करने की नीयत से इलाहाबाद आया, और जब उसने अपना एडमिशन लिया, पिताजी वगैरह का, उसके पिताजी एक बेहद ही गरीब आदमी है, रिक्शा चलाते हैं पिताजी उसके, 20,000 रुपये उससे जमा करवाया गया, उससे ये बताया गया कि आपकी क्लास यहाँ चलेगी, लेकिन अचानक उसको पता चलता है कि मेरी क्लास जो है एग्जामपुर नामक संस्था मर्ज हो गई है। उसने कहा कि हम तो अपना एडमिशन CDS नामक संस्था में लिए थे, हम एग्जामपुर क्यों जाए पढ़ने, हमारी फीस आप वापस कर दीजिए। उसको फीस वापस नहीं की, उससे बदतमीजी की, इसलिए वो विश्वविद्यालय में उनके चाचा रहते हैं करमवीर, उनके पास गया तो वो कहे कि छात्र नेताओं से मैं मदद मांगता हूँ, और हमेशा से ऐसा हुआ है इलाहाबाद में, पहली बार में मदद मांगी, तो इस मदद मांगने के नाम पे वो लोग शिवानंद के साथ में एक बार गए से मिलने, तो ये जो है कहा कि ठीक है आप एक हफ्ते का समय लीजिए, और FIR कॉपी आप नहीं देखे होंगे उसमें उसने मेंशन किया है कि यही लोग 4 तारीख को हमारे वहाँ आए थे, 50 लाख की डिमांड कर रहे थे, ये लोग हमारे यहाँ 4 तारीख को आए और हमसे डिमांड की 50 लाख का, दोबारा ये लोग 10 तारीख को आए हमारे यहाँ, वही लोग आए, और जब ये लोग आए हैं तो मैं इनको पानी और चाय पिलाया हूँ। सेम लोग थे जो 4 को आए थे, सेम लोग जो 10 को आए हैं, चाय पानी पिलाने के बाद ये लोग कहेगा 50 लाख मांग रहा था अब 1 करोड़ दीजिए, तो आप बताइए जो आदमी 50 लाख रुपए आपसे मांगा हो 4 तारीख के डेट में कोई FIR इसने कराई? अच्छा उन्होंने CM से अपील की, अब आप क्या कहेंगे? हम CM साहब से अपील हम लोगों सारे लोगों के यही है कि आप इस मामले की निष्पक्ष जाँच करा लीजिए, और विवेक कुमार जैसा जो फ्रॉड और धूर्त आदमी है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जो आदमी बेगुनाह है वो बाहर आए, जो गुनहगार है उसको जेल हो। यानी ये बादल के भाई हैं, अब ये राहुल के परिवार के लोग हैं, दोनों सगे भाई हैं राहुल के, देखा होगा उन्होंने बहुत ट्वीट किया, ट्वीट खेला, काफी कटाच किए छात्र नेताओं पे, बहुत वो किया, लेकिन आपके भाई को फंसाया गया है। अब CM साहब से आपकी कोई अपील है? CM साहब से मेरी यही अपील है कि मामले को अपने संज्ञान में लें और इसकी निष्पक्ष जाँच करवाएं, अपने अधिकारियों को आदेश दें कि मामले की निष्पक्ष जाँच हो, जो दोषी हो उसे सजा दी जाए, जो निर्दोष हो उसे जेल से बाहर भेजा जाए। CM साहब से, प्रदेश के मुखिया से मेरी यही विनती है। मतलब क्या जबरदस्ती फंसाया जा रहा है? जी बिल्कुल, जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, जबरदस्ती। जी बिल्कुल, मतलब आप समझिए इनका सीधा आरोप है कि जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। देखिए ये मामला बहुत सी चीजें होती है, दोनों परिवार के लोग हैं आरोप लगा रहे हैं, अब छात्र नेता भी इसमें इंटरेस्टेड ले रहे हैं, वो चीजों को वायरल कर रहे हैं, क्या लगता है वायरल चीजों से उन्हें न्याय मिलेगा? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है, आप समझिए कि जिस दौरान ये घटना हुई, जब विश्वविद्यालय के छात्र वहां पे गए तो वहां पे जाटाउन थाने की आधे दर्जन से ज्यादा पुलिस मौके पे मौजूद थी, और पुलिस के सामने आज के इस दौर में कैसे कोई 1 करोड़ की रंगदारी मांग सकता है, ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। यदि हमने पुलिस के सामने रंगदारी मांगा तो क्यों नहीं पुलिस का कहीं बयान आया कि हमारे सामने, मेरे प्रत्यक्षदर्शी, मैं प्रत्यक्षदर्शी था कि वहां पे छात्र नेतागढ़ जाते हैं रंगदारी मांगते हैं। ये आप रिपोर्ट देखें, कोचिंग फीस
में फीस वापस मांगने पर छात्र को धमकाया, अमर उजाला की रिपोर्ट। हमारे भी पक्ष में रिपोर्टें हैं, हमारे भी पक्ष में तर्क हैं, लेकिन सिर्फ प्रोपोगंडा ट्विटर आर्मी और सोशल मीडिया की जो आर्मी विवेक कुमार ने बनाई है उसके माध्यम से प्रोपोगंडा फैलाया। किसी भी तरीके से इलाहाबाद में स्थापित होने के लिए कूटरचना की गई, किसी माध्यम से हो सकता है किसी को बदनाम करके हम यहाँ पे स्थापित हो जाएं, लेकिन ये पूरी तरीके से साजिशन है। अच्छा, अब आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति सिर्फ ये है, जो जिस प्रकार उन्होंने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से उनसे गुहार लगाई, न्याय की मांग की, और उसके कुछ ही दिनों बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि पूरे छात्र जागरूक हो गए, पूरे समाज को सत्य का पता चल गया है, सांच को आँच नहीं होती, सबको सच्चाई की पता चल गई है, वैसे उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। और उनकी जो दिल्ली की घटना थी, दिल्ली में जब ये कोचिंग चलाते थे तो भी कितने थाने पे मुकदमे दर्ज हुए, इनके ऊपर कितने एप्लीकेशन आए हुए हैं, इनके खिलाफ कर्मचारियों कितने एप्लीकेशन के, अपने यहाँ के सैलरी स्टाफ को सैलरी नहीं देते हैं। तो पूरी तरीके से कूट से ग्रसित मानसिकता का व्यक्ति है, और पूरी तरीके सिर्फ इसका एक ही काम है, किसी भी तरीके से फेमस होने का तरीका ढूंढता रहता है। इस प्रकार हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और इस जुडिशरी सिस्टम से सिर्फ एक ही गुहार है कि जो निर्दोष लोग फंसे हैं, जिन निर्दोष लोगों को फंसाया गया है, जिन निर्दोष लोगों के घर परिवार को परेशान किया गया है, उनके पक्ष में न्याय हो, और जो दोषी है उसके ऊपर मानहानि के तहत मुकदमा दर्ज कर उसको जेल डाला जाए, जेल भेजा जाए। यानी ये प्रयागराज के कोचिंग वाले मामले के उन परिवार के लोग हैं, बादल और राहुल, जिनके दो भाई और उनके रिश्तेदार गए थे आज नैनी सेंट्रल जेल, दोनों छात्र नेताओं से मिलने, उन्होंने एक ही बात कही है, हमने एक असहाय छात्र की हेल्प करने के लिए कोचिंग में गए थे, क्योंकि वो लड़का निर्बल परिवार से था, उसको पैसे की ज़रूरत थी, वो वापस चाहता था, लेकिन जो कोचिंग संचालक है विवेक कुमार, उन्होंने 1 करोड़ की रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया है, ये बेहद झूठ है। जैसे सीएम से अपील विवेक कुमार कोचिंग संचालक ने की है, वैसे ही अब ये छात्र नेता भी और परिवार के लोग भी अपील कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई करें और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।